मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। अभी जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज शिव तीर्थ, ये हमारे जो पंढरपुर जाने वाले वारकरी संप्रदाय, दोपहर में 2 बजे से बस स्टैंड पे वो खड़े थे। कुछ गाड़ी पंढरपुर जाने के लिए उन्होंने कुछ मालूमात के लिए कुछ अधिकारी से उन्होंने पूछताछ किया तो उनको उल्टा सीधा जवाब मिलता था, मगर शाम में उन्होंने अभी 1 घंटा पहले या रास्ता रोको आंदोलन किया। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता का हमको फ़ोन आए और हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ की जो परिस्थिति थी वो हमने हल की और ट्रैफिक जो है वो सुरक्षित किया। और यहाँ के जो डोपे मैनेजर है माननीय देवरे मैडम, तो उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने तत्काल अभी 1-2 बस उपलब्ध करवा दिया है। तो मेरा कहना ये था, डेपो मैनेजर या मालेगांव के मतलब नया और पुरान 2 डेपो है यहाँ, तो उनको मानो में हमारी आषाढ़ी एकादशी को हर घर से एक आदमी पंढरपुर जाता है, हर घर से एक आदमी पंढरपुर के लिए पांडुरंग के दर्शन के लिए जाता है। तो इन्होंने ये नियोजन पहले से ही करके रखना चाहिए था, मगर आज जो नौबत आई है कि वारकरी संप्रदाय के लोगों को आंदोलन करना पड़ा पंढरपुर जाने के लिए, ये लज्जास्पद है। और जो भी है तो मैं हमारे जो पदाधिकारी, हमारे जो मंत्री महोदय है, मैं उनसे विनंती करता हूँ कि आपने मालेगांव की ये मालूमात लेना है और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि जो वारकरी संप्रदाय में 50 साल 60 साल मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों को 2 बजे से तो अभी तक बस के लिए इंतजार करना पड़ा और उनको बस नहीं मिली तो उनको आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सब मिलके किया। किसने नहीं किया? जो वारकरी संप्रदाय के लोग 2 बजे से परेशान हो गए, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो उन्होंने वो निर्णय लिया और वो आके यहाँ शिव तीर्थ पे आंदोलन के लिए बैठ गए। तो हमको आजू बाजू से कुछ लोगों के फोन आए या ऐसा ऐसा आंदोलन चालू है, तो हम यहाँ पहुँच गए। मगर हमने ट्रैफिक तो है विनंती करके उनको सुरक्षित तो करवा दिया है और 1 बस तो अवेलेबल हो गई और 1 बस थोड़ी देर में अवेलेबल होने वाली है और पांडुरंगे कुर्बे से वो शुक्र पंढरपुर जाएंगे। मगर मेरा कहना ये है कि मैं महाराष्ट्र शासन से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से, माननीय पालक मंत्री साहब से और हमारे माननीय गिरीश महाजन साहब से आपके माध्यम से विनंती करता हूँ कि अगले साल ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और जो प्रॉब्लम हुआ है इसकी चौकसी करके जो अधिकारी है उनको चौकसी करो और उनके ऊपर कार्रवाई करो।